करती हूँ महानिदेशक राजस्थान पुलिस श्री एम एन राठौर जी से कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री कैलाश सत्यार्थी जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिवादन करें। श्रीमान आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी, डीजी इंटेलिजेंस श्री उमेश मित्रा जी, डीजी एंटी क्राफ्टन ब्यूरो श्री बी एम सोनी जी, मेरे साथी अधिकारीगण, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के अधिकारी, सुरक्षा सखियाँ, सीएसडी मेंबर्स व मीडिया के मेरे बंधुओं, देवियों व सज्जनों, आज मैं इस राजस्थान स्थापना दिवस पर सर्वप्रथम आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा 74 जन्मदिन है, आपको ध्यान देगा। जैसा जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, देश में उस वक्त काफ़ी रियासतें थी जिन कई अलग अलग पुलिस बल होते थे। सबसे पहले उनका एकीकरण कर राज्यों का गठन किया गया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन हुआ और इसी के साथ साथ विभिन्न रियासतों की जो पुलिस थी उनको एक कर राजस्थान पुलिस का जन्म 16 अप्रैल 1949 को हुआ। आज इस मौके पर मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं, जो पुलिस के जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण हैं वो अपने आप को रीडेडिकेट करें कि हम जिस पर्पज के लिए इस पुलिस बल का गठन हुआ है उस उद्देश्य पूर्ति में सफल हूँ। आज का जो विषय वस्तु है इस सेमिनार का वो बच्चों से संबंधित है और नोबल लॉरिएट पीस श्री कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के जीवन को सफल बनाने में, सुगम बनाने में झोंक दिया है और मेरे ख्याल आज भी उनकी जीवटता में, उनकी एंथुजियाज्म में कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ जब क्राइम ब्रांच में एसपी होता था तब से मैं देखता हूँ कि आपका यहाँ राजस्थान में भी, चाहे वो बंधुआ मजदूरों की बात हो, चाहे वो बाल श्रम की बात हो, यहाँ पर कुछ ऐसे उद्योग धंधे हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी संख्या में एम्प्लॉय किया जाता है। आप भी तब भी कई बार यहाँ टीमें आती थी और इन बच्चों को, चाहे वो आराधारी का काम हो और चाहे वो इस भट्टों की बात हो, वहाँ से आपने कई बार ऐसे बच्चों को आज़ाद करवाया है। मैं श्रीमान को अवगत कराना चाहूँगा कि आज के इस सेमिनार में हमारे यहाँ जो आपकी ही मेहनत से जो नया जे एक्ट बना है, जिसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हमारे हर जिले में गठित है, हर थाने में हमारा चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर ASI रैंक का तैनात है और जिले स्तर पर डिप्टी SP की अध्यक्षता में स्पेशल जुवेनाइल यूनिट हमारी तैनात है। और आपको जानकर खुशी होगी सर, इस साल के बजट में राज्य सरकार द्वारा एक महिला ASI का पद इसी कार्य हेतु क्रिएट किया गया है ताकि बच्चों को अच्छे ढंग से वो ट्रीट कर सकें और बच्चा भी अगर पुलिस में उसकी कभी ज़रूरत पड़े तो एक उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट वहाँ पर मिले। मैं जो राजस्थान पुलिस द्वारा बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के संबंध में जो कार्य किए जा रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है सर, आपको भी इस ओर से पता होगा।
इसमें हमारा चाहे वो पॉक्सो एक्ट के मामले हों, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट के मामले हों, हमारा राजस्थान पुलिस द्वारा पिछले 2 साल में जो इन्वेस्टिगेशन टाइम है वो काफ़ी नीचे आया है, और जो कन्विक्शन है अभी पिछले 4-5 महीनों में 7 तो हमारे डेथ पेनल्टी हुआ है ऐसे पॉक्सो एक्ट में जो बच्चों के साथ अपराध घटित हुए थे। किसी भी देश में यदि उसके वैल्यू सिस्टम को समझना है, उसके संस्कारों को समझना है, हमें देखना होगा कि वहाँ पर बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इन तीनों के साथ अब क्या व्यवहार होता है, उसी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश की संस्कृति क्या है, इस देश के संस्कार क्या है। मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ आज इस जिस विषय पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने मुख्य अतिथि नोबेल लॉरिएट श्री कल्याण सत्यार्थी को सुनने के लिए, वो मैं यहीं पर अपना वाणी को विराम देता हूँ और अपने मुख्य अतिथि जी को निवेदन करता हूँ कि अपना संबोधन देकर हमें उपकृत करें और अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक आदरणीय राठौर जी, आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय स्वामी जी, काफ़ी वरिष्ठ पदाधिकारी अधिकारी यहाँ बैठे हैं, बहन स्मिता जी, बहन और भाई, सबसे पहले मैं भी आप सबको राजस्थान पुलिस दिवस की बधाई देता हूँ। मुझे पता चला था कि जब प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के 1-2 साल पहले ही विचार रखा कि देश के 10 पुलिस थानों को सर्वोत्कृष्ट पुलिस थाने का सम्मान दिया जाए, तो देश इतना बड़ा है, इतने सारे राज्य हैं, लेकिन 10 में से उसका 20% हिस्सा यानी 2 पुलिस थाने राजस्थान के चुने गए थे, इसके लिए भी आपको बधाई। बीकानेर का एक कालू थाना था और झालावाड़ का एक और थाना था, लेकिन इससे भी ज्यादा जो सीधी जानकारियां हमको अपने संगठन के साथियों से मिलती रहती हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, वो बहुत उत्साहजनक है। जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस नवीनता के साथ, जिस समर्पण के साथ आप लोगों ने न केवल अपराध संबंधी विषयों को ठीक करने की कोशिश की कर रहे हैं, बल्कि पूरे कोरोना काल के दौरान मैं जानता हूं कि अपनी जान हथेली पर रखकर, अपने परिवार की चिंता किए बगैर, भूखे प्यासे दिन और रात हमारे पुलिसकर्मी राजस्थान के लगे रहे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि काफी वक्त मैंने अपने बालाश्रम में जो जयपुर रूरल में है वहां गुजारा था इस दौरान, इसके लिए भी आपको बधाई। हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है जब पता लगता है कि पुलिस का कोई सिपाही या कोई हेड कांस्टेबल या कोई सब इंस्पेक्टर जब हिंसा, आगजनी, सांप्रदायिक दुर्भावना को रोकने के लिए खड़ा हो जाता है उस आग के बीच में से, और एक बच्चे सहित कुछ उसके परिजनों को जलती हुई आग में से बचाकर लाता है,
तो राजस्थान का नहीं पूरा पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो। मैंने उस पुलिसकर्मी उन सिपाही को फोन करके बधाई दी। नेत्र शर्मा नाम था नेत्रेश भी आंखों की दृष्टि का ज्योति का ईश है नेत्रेश, और चुनेत्र भी उसी तरह का है, इसलिए मैं दिल से नाम हूं। मेरे ऑफिस में जब सीता जी की चिट्ठी आई, फिर कुछ फोन भी आए, बातचीत हुई, तो हमारे कार्यक्रम को देखते हुए मेरे साथियों ने फैसला किया कि जाना नहीं हो पाएगा। उसकी वजह यह कि कल रात को मैं इंदौर से लौटा, वहाँ एक विश्वविद्यालय में प्रोग्राम था और कुछ और था, अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन पुरस्कार बांटने थे कल दोपहर बाद, और आने वाले कल में सुबह मुझे नेपाल जाना है। वहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें कन्वोकेशन एड्रेस करना है दीक्षांत। लेकिन फिर भी मैं यहाँ अपने अधिकारियों को कह के आया, और मैंने उनके निर्णय को पलटा, कभी कभी ऐसा कर देता हूँ मैं, तो उसकी कुछ वजह है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक मजेदार वाक्य सुनाता हूँ। जब अल्बर्ट आइंस्टीन, सबने नाम सुना है ना, हमारी ये जो सखियां बैठी हैं सुरक्षा सखियां, आपके कैप देखकर, आपके चेहरे पर जोश देखकर, आपके मन का आत्मविश्वास देखकर, आपकी मुस्कुराहट देखकर और एक संकल्प को देखकर लग रहा है, इसी से पता लग रहा है कि राजस्थान की पुलिस कितनी संवेदनशील और जनता के साथ मिलकर काम करने वाली है। तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला पुरस्कार तो बहुत डिमांड हो गई, जगह जगह लोग बुलाने लगे, यूनिवर्सिटीज में, एकेडमी में, सरकारें भी सुनना चाहती थी उनकी एक थ्योरी थी सापेक्षता का सिद्धांत, जिसने बहुत सारी पुरानी मान्यताओं को रद्द बदल कर दिया था। नोबेल लॉरिएट होने की वजह से उनका नाम हो गया। तो रोज सुबह यहां, शाम को वहां, दूसरे दिन वहां, तीसरे दिन वहां, उनके चेहरे पे थकान आने लगी। तो उनका एक सॉफर था, एक ड्राइवर था, उम्र में वैसे ही होगा, और सहयोग से उन दिनों ये जो छोटे छोटे कैमरे हम सबके हाथों में होते हैं, स्मार्टफोन के कैमरे या और भी छोटे कैमरे आते हैं, डिजिटल कैमरे, आसानी से फोटो खींच सकते हैं, धड़ाधड़ फोटो खींच। लेकिन उस समय जो फोटो के कैमरे हुआ करते थे, आप में से शायद किसी को पता हो, थोड़ी उम्र में जो ज्यादा होंगे, इतना बड़ा कैमरा होता था, कम से कम दो तीन आदमी उसे उठाकर रखते थे एक जगह पर, एक स्थित स्टैंड के ऊपर, फिर आगे कोई आदमी उसके पर्दे को हटाता था, वो काला सा पर्दा लगा था, और पीछे से कोई कोई एक फिल्म फंसाता था बड़ी से, इस तरह एक फोटो खींचता था मुश्किल से। तो बहुत सारे लोगों के नाम अखबारों में छप जाते थे, रेडियो बहुत चलता था, टेलीविजन नहीं था ज्यादा, तो नाम तो पता था लोगों को आइंस्टाइन का, लेकिन चेहरा इतना नहीं जानते थे लोग फोटो ज्यादा ना होने से। तो उनके ड्राइवर ने कहा कि सर आप काफी थके लग रहे हैं, तो एक आइडिया मेरे पास है। क्या बोल बोले, देखिए मेरी शक्ल सूरत भी लगभग वैसी है थोड़ी, और मैं दाढ़ी ठीक कर लेता हूँ, चेहरा ठीक कर लेता हूँ, और मैं पिछले कई महीनों से आपके साथ आपकी वही बात सुन रहा हूँ, वो थ्योरी जो है सापेक्षता की, रिलेटिविटी की, तो ट्राई करते हैं इस बार जब आमंत्रण आएगा तो देखते हैं क्या हो सकता है।
मुझे वर्बेटम वो थ्योरी याद है और मैं ज्यादा ऊर्जा के साथ उसमें बोल सकता हूं क्योंकि मुझे तो सब याद है, आप तो थके थके नजर आते हो। चलो ट्राई करके देख लेते हैं ऐसी जगह पर जहां लोगों ने फोटो ना देखे हो, तो एक जगह वो चले। तो हमारे नए आइंस्टीन महोदय स्टेज पर खड़े हुए और तुरंत बढ़िया भाषण देता था। सब लोग बड़े गदगद और स्टैंडिंग ओवेशन कर रहे हैं खड़े होके। तो बाद में जब खत्म हो गया तो क्वेश्चन आंसर शुरू हुआ। तो आगे की पंक्ति में जो बैठे हैं हमारे ऑफिसर इस तरह, वहां भी बैठे होंगे कुछ प्रोफेसर वगैरह या जानकार साइंटिस्ट, उनमें से एक उठ के खड़े हुए बूढ़े से सज्जन, यहाँ तो कोई बूढ़ा नजर नहीं आ रहा, आपकी भी उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन दिल से अगर आप बूढ़े होते तो जाना बैठे होते। तो जब वो उठ के खड़े हुए तो उन्होंने पूछा, सर मेरे पास एक सवाल है आपके इस थ्योरी पर। सवाल उन्होंने बोला। तो ये नए आइंस्टाइन महोदय ने कहा, प्रोफेसर साहब मैं तो ये सोच रहा था कि आप कोई बड़ा मुश्किल सवाल पूछेंगे लेकिन ये इतना आसान सवाल आपने पूछ लिया है कि मेरा ड्राइवर जो पीछे कोने में बैठा हुआ है वो भी जवाब दे सकता है। संयोग ये था कि वो ड्राइवर साहब आइंस्टीन महोदय थे, टेस्ट के लिए गए थे कि देख लेते हैं अगर चल जाएगा ये सिक्का तो चला लेंगे। उनको बेचारे को आगे जवाब देना पड़ा। तो जब स्मिता जी आपकी चिट्ठी आई तो मैंने सोचा कि कोई ढूंढते हैं आज नया कैलाश सत्यार्थी, लेकिन प्रोफेसर लोग भी पकड़ लिए तो ये तो पुलिस वाले ब्रांच है, इंटेलिजेंस के लोग हैं, तो यहाँ तो नहीं चल सकता। तो अंत में मैंने फैसला किया कि यहाँ आता हूँ। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। मेरा कुछ लोग जानते हैं, आप लोगों के साथ एक बहुत निजी रिश्ता है जिसने भी ये काफी बड़ी पहल रखी। नोबेल प्राइज के बाद जब मैं एक बार अमेरिका गया तो वहां मेरी सुरक्षा के लिए एक अधिकारी थे, सार्जेंट थे, मेरे साथ थे लगातार। तो एक शाम को उन्होंने होटल में मुझसे कहा कि मेरा बेटा आपसे मिलना चाहता है, 17-18 साल का है, अगर आप इजाजत दें तो उसको बुला लें कि वो बहुत कीन है आपसे मिलने के लिए, इच्छुक है। तो मैंने कहा कोई समस्या नहीं आ रही है, बुला लें। तो मैंने कहा सुबह बुला लो उसे नाश्ते के वक्त पर, फिर मैं निकल जाऊंगा, नाश्ता मेरे साथ कर। तो सुबह सुबह आ गया लड़का, बड़ा सेफ्टी टाइप था लेकिन वो आईटी ये जो सेक्टर है आजकल सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें कर रहा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बड़ा ढंग से मिला, हाथ बात मिला के, और उसी ने कहा सबसे पहले कि आई हैव अ रिलेशन विद यू, मैं आप मेरा आपके साथ एक संबंध है। तो मैंने कहा, मैं ऊपर से नीचे तक 100 बार देखा कि मेरे तो दादा परदादा कभी भारत से बाहर नहीं गए, मेरा रिलेटिव कहाँ से पैदा हो गया है। तो मैंने थोड़ा और जिज्ञासु होकर पूछा कि भाई बताओ क्या कारण। उसने कहा शायद आप जानते या नहीं जानते लेकिन रिलेशन ये है कि नोबेल प्राइज के 125 साल के इतिहास में, शांति पुरस्कार के इतिहास में, पहली बार किसी पुलिस वाले के बेटे को नोबेल शांति पुरस्कार मिला और वो आप ही मिला। तो ये बात मुझे भी नहीं पता थी, ये तो पता थी कि मैं एक पुलिस कर्मी का बेटा हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस में मेरे पिताजी थे, लेकिन उस बच्चे ने मुझे ये एहसास कराया। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने ऑफिस वालों को बोल रखा है कि अगर सबसे पहले मुझे कहीं पर जाना होता है या कोई मुझे बुलाता है या मुझसे जो मिलने आते हैं तो सारे प्रोग्राम कैंसिल करके
बच्चों को मुझसे सबसे पहले मिलाइए, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों। तो मेरे ऑफिस में बच्चों को लेके लोग आ जाते हैं जिनको खुद मिलने का समय 6 महीने 4 महीने नहीं मिल पाता है, तो अपने बच्चे को ले आए या दूसरों के बच्चों को ले आए, लेकिन बच्चे के साथ पीछे वो भी आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर मैं कहता हूं कि अगर मुझे मौका मिले, मेरे पास समय हो, तो मैं अपने पुलिस वाले भाइयों के बीच में जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपना बचपन पुलिस चौकियों में गुजारा है। मैं आपके अंदर की ताकत को समझता हूं और मैं आपकी पीड़ा को भी समझता हूं। जो मुश्किलें जो कठिनाइयां आपको होती हैं वो मेरे पिताजी जब झेलते थे तो कह नहीं पाते थे, और मेरी माँ कई बार रोती रहती थी कि 2 दिन 3 दिन के लिए गए और इसके बाद भी उनके साथ कई बार सम्मान का व्यवहार नहीं किया नेताओं ने और इस तरह के लोगों ने। वो चूंकि ईमानदार थे बहुत, इसलिए हम लोग, मेरे जन्म के वक्त वो सिपाही थे, कांस्टेबल थे, लेकिन थोड़े साल बाद वो कांस्टेबल थे। जब मैं 4-5 साल का था तो मैं मेरे घर में, जिस घर में हम लोग रहा करते थे उसके छत पर कबीलू थे, तो बंदर आके वो कबीलू तोड़ दिया करते थे विदिशा में। तो हम लोग, मैं तो छोटा था लेकिन पिताजी भाई वगैरह चढ़ते थे, मैं भी सीखता था, कबीलू पकड़ाता था उन्हें कि उसको ठीक करो, रिपेयर कर दो ताकि बारिश हो। लेकिन एक बार पानी इतना गिरा, क्योंकि हर बार रात भर हमें यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ अपने बिस्तर उठा कर रखने होते, तो एक लकड़ी के डब्बे में मेरा एक प्रमाण पत्र था, जीवन का पहला प्रमाण पत्र, जो मुझे एक भाषण प्रतियोगिता में मिला था, संभाल के रखा था, और भी कुछ चीजें रखी थी, उसको हम लोग उठाना भूल गए और वो प्रमाण पत्र पानी में गीला हो गया, सारे कागज गीले हो गए। अब जब हमें याद आई सवेरे सवेरे तो हमने जाके देखा वो तो डब्बा पूरा भरा हुआ है पानी से, तो मैंने झट से वो प्रमाण पत्र छाटा, सब गीला हो गया था, उसके अक्षर बह गए थे हाथ के लिखे हुए, मेरा नाम ही बह गया, मैं रोने लगा कुछ देर से। तो मेरे पिताजी ने मुझे कंधे पर हाथ रख के कहा कि बेटा तू एक पुलिस वाले का बेटा है, तेरे कर्म जीवन के वही तेरा प्रमाण पत्र बनेंगे, ये कागज पे लिखे हुए प्रमाण पत्र का कोई अर्थ नहीं। मैं मंच पर खड़ा था नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए, तो मुझे उनकी याद आई। मैं पहला भारतीय जो भारत में पैदा हुआ जिसको ईश्वर ने यह सौभाग्य दिया, गुरुजनों के परिणाम होंगे जो भी हो, शायद मेरे पिताजी का आशीर्वाद होगा कि मैं उस मंच पर खड़ा था जहां मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मदर टेरेसा थे। तो मैं सब पुलिस कर्मियों को यह कहना चाहता हूं कि आप एक अलग मिट्टी के बने हुए, इसीलिए खाकी पहन के बैठे। केवल ये नौकरी नहीं है, आपको हर बार ट्रेनिंगों में, कार्यक्रमों में संवेदनशीलता की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जो कुछ आपको होगी होगी ना, और कोई भी ऐसा, चाहे राजनेता हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे टीचर हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, कुछ भी होने से पहले इंसान तो है, और अगर हम कोशिश करें तो उसकी इंसानियत, उसकी संवेदनशीलता, उसकी करुणा को जगाया जा सकता है। ये मेरा दृढ़ विश्वास शुरू से रहा है। ये सच है कि जब मैंने ये काम शुरू किया तो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में इस मुद्दे पर कोई काम नहीं होता। गरीब के बच्चों को या अनाथ बच्चों को चैरिटी के माध्यम से कुछ भलाई करके, कुछ दान पुण्य करके काम कराना सैकड़ों साल, हजारों सालों की परंपरा रही है। स्वर्ग में जाने के लिए एक तरीका ये भी होता है, लोग मानते रहे कि भाई अनाथ बच्चे को कुछ खिला पिला दो या पढ़ा दो, लेकिन मैं उसमें बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा कभी नहीं। मैं ये मानता रहा कि हर बच्चा
एक नैसर्गिक अधिकार के साथ पैदा होता है, वो डुअल डबल दोहरा। जब वो मां के गर्भ से आया बाहर तो आजादी का अधिकार उसका नैसर्गिक अधिकार है, डिवाइन राइट, प्राकृतिक अधिकार, और सीखने का अधिकार वो सीखता है, मां का दूध कटोलना पीना, वो सीखता है रोके मनाना अपनी बात को कहना, उसकी भाषा वही है लेकिन वो भाषा सीखते सीखते आगे हम तक पहुंचता है। लेकिन दुनिया में अगर आजादी का अधिकार करोड़ों बच्चों से छीन लिया जाए, सीखने का या सीख जाए, प्रेरणा का दिवस है राजस्थान पुलिस दिवस, मेरे लिए प्रेरणा दिवस। जिस चीज के लिए हम संकल्पित हैं, जिन चीजों पे हमें भरोसा है, अगर उस भरोसे के लिए हम अपना सब कुछ दांव पे लगाने तैयार हैं, तो उसमें चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, हम प्रेरित होते रहते हैं, असफलताओं से सीखते रहते हैं, सफलताओं से और ज्यादा सीख सकते, दोनों चीजों से सीख सकते। मैं कहता हूं कि मेरा सपना आज से 40-50 साल से इस बात का है कि दुनिया से इस बुराई को खत्म करें, बाल मजदूरी, बाल बच्चों की गुलामी। और हमारी कोशिश से जब हम लोगों ने दुनिया में कानून देखा इसके खिलाफ, तो एक विश्व यात्रा की, 80,000 किलोमीटर हम चले दुनिया के 3 हिस्सों से, और 103 देशों की यात्रा हुई 1998 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ILO का हेडक्वार्टर है वहाँ तक गई, और हमने वो कानून बनाने में सफलता हासिल की। और जब वो कानून बना तब 26 करोड़ बच्चे दुनिया में बाल मजदूरी करते थे, अभी 4 साल पहले तक उनकी संख्या घट के 15 करोड़ रह गई, लेकिन अब बहुत सारी परिस्थितियाँ आप लोग जान रहे हैं उसकी वजह से 16 करोड़ है। लेकिन आप सोचें कि अगर मैं किसी से ये बात कहता तो लोग कहते पागलपन की बात कर रहे हो, जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, गैर बराबरी दुनिया में बढ़ रही है, ये सब है गैर बराबरी बढ़ रही है, तो ये बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन वो ग्राफ 15-16 सालों में नीचे आ गया 26 करोड़ से 15 करोड़ पर, तो ये संभव है ना। लेकिन प्रेरणा इस बात की नहीं है, प्रेरणा है कि जिस दिन भी मैं एक बच्चे को या मेरे साथी हम सब मिलकर एक भी बच्चे को छुड़ाकर, जिसको कहीं से चुरा के बहला के ट्रैफिकिंग करके ले जाया गया था और कहीं गुलामी में फंसा हुआ था, जब उसको उसकी माँ की गोद में पहुंचाते हैं तो खुशी के जो आंसू उस माँ की गोद से बहते हैं, बच्चे के और माँ के उनके गालों में झलकते हैं, मुझे लगता है कि मैं ईश्वर के दर्शन कर रहा हूँ। अगर यहाँ ईश्वर नहीं है तो फिर ईश्वर और कहीं नहीं है। और प्रेरणा बच्चे सबसे बड़ी प्रेरणा, तुम भी प्रेरणा हो बेटा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको देख कर, आपको सुन के, काफ़ी टाइम से सारी चीज़ें देख रही हूँ और आपको यहाँ पे लाइव सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे, और जिस पथ पे आप चल रहे हैं बहुत दूर उस पथ पे मैं भी चलना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि एक प्रेरणा मुझे भी मिली यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, और पुलिस दिवस पे सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम शाद हुसैन है, ये मेरी दूसरी मुलाकात है आपसे। आज से कम 28 साल पहले रैगरो की कोठी पर आपके साथ बच्चों का प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज किया था, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं बहुत लंबे टाइम से आपके बताए हुए रास्ते पे चल रही हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और कम से कम उस एरिया में जो रामगंज का एरिया है, पूरा पहाड़ का जो पूरा बाबूगढ़ी वही है, वहाँ पे बाल मजदूरी बहुत ज़्यादा होती थी, नगीनों का काम वहाँ पे बहुत है, तो उसको आपकी प्रेरणा से, आपने जो कुछ बोला था वहाँ पे, एक चबूतरे पे बैठे थे हम, कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन वहाँ रैगरों की कोठी, रैगर समाज के बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और आपने संबोधित किया था, उससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है और आज तक हम वो काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बंद कर लो, बंद कर लो।
जी ये है कि राजस्थान पुलिस आपके अनुभव से बाल तस्करी, भिक्षावृत्ति और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए क्या नवाचार कर सकती है? बहुत धन्यवाद। हम लोग हमारे तीन जो संगठनों के मैंने नाम दिए थे, KSCF जो फाउंडेशन है हमारा, बचपन बचाओ आंदोलन और बाल आश्रम, ये तीनों ही राजस्थान पुलिस के साथ कई जिलों में काम कर रहे हैं। 20 जिलों में मुझे बताया गया, 20 जिलों में तो कई कार्यक्रम चल ही रहे हैं। राजस्थान श्रीमान ML लाठर साहब, श्रीमान BL सोनी साहब शायद चले गए हैं, रिटायर्ड DGP साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री RK हुदा साहब, रिटायर्ड DG मेहरोत्रा साहब, उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, पुलिस बल के समस्त सदस्यगण, CLG मेंबर साहिबान, सुरक्षा सखियां, उपस्थित सम्मानित नागरिकगण, देवियों, सज्जनों, बच्चों, यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से कुछ क्षण निकाल के सत्यार्थी जी उपस्थित हैं। आपके व्यक्तित्व के बारे में तो सब जानते ही हैं, बताया भी गया है। मैं यहाँ केवल यह उल्लेख करना चाहूँगा कि जो बातें आपने कही हैं वो केवल शब्द नहीं हैं, वो उनके एक प्रामाणिक अनुभव की अभिव्यक्ति है। आपने जो जीवन जिया है 4 दशक से भी ज़्यादा, एक कर्मयोगी का जीवन, एक कुछ आदर्श को अपने जीवन में उतारने का जीवन, समाज के एक बहुत बड़े तबके बच्चों का जो शोषित हैं, जो ट्रामेटाइज्ड हैं, जिनके साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, उनको कैसे उससे उबारें, यह इतना बड़ा काम है कि जितना किया जाए उतना कम है। और आपने जो अलग जगाई है वो और आगे चल के कामयाब होगा, और जो समाज का कलेक्टिव कॉन्शियंस है वो और जागृत होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। बचपन में हमने एक निबंध पढ़ा था आचरण की सभ्यता, तो उसमें सरदार पूर्ण सिंह का, उसमें वो कहते हैं कि जो बुद्ध ने बातें कही, जो गांधी ने बातें कही, वो बातें हम सब लोग जानते हैं, सत्य अहिंसा, लेकिन उन्होंने कहा उसका महत्व ये है कि उन्होंने आचरण में उसको परिणत किया है, इसलिए उनके करोड़ों समर्थक बने। तो जो बातें आपने कही, हो सकता है हम लोग जानते रहे हों, उनसे विज्ञ हों, पर आपने उनको अपने आचरण में उतारा है, आपने संघर्ष किया है, बहुत सारे बच्चों, हजारों बच्चों को बॉन्डेड लेबर से मुक्ति दिलाई है, शोषण से मुक्ति दिलाई है, इसलिए आपका एक एक वचन, एक एक शब्द बहुत वजन रखता है। और निश्चित रूप से जो आपने एक मिसाल कायम की है, ज्ञान संकल्प और कर्म, जो समन्वयवाद की बात कामायनी में की गई है, जयशंकर साहब ने की है, उसका जीता जागता आप उदाहरण है। सर, आप यहाँ आए, हम बहुत ही राजस्थान पुलिस के सभी सदस्य, राजस्थान पुलिस परिवार बहुत बहुत आभारी है। इसके साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का, वरिष्ठ अधिकारी का यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सभी पुलिस के जो यहाँ सदस्य हैं, पुलिस फोर्स के CLG मेंबर्स भी यहाँ हैं, वरिष्ठ नागरिक बंधु हैं यहाँ, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ये बड़ी बात है कि हमारे सभी समस्त पुलिस स्टेशन जो प्रदेश के हैं वो भी जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आपके विचार का, आपके जो उद्बोधन का लाभ उनको मिलेगा,
और आज से हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा संकल्प के साथ लगेंगे बच्चों के साथ जुड़ी समस्याओं और बुराइयों के निराकरण के लिए। मुझे उम्मीद है। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद पुलिस महानिदेशक महोदय। हम उम्मीद करते हैं कि देश के सर्वश्रेष्ठ